सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज देखिएगा बहुत ही सुंदर नज़ारा। फूलों की खेती यहाँ पर हो रही है और इतना सुंदर यहाँ पर जो व्यू दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। चारों तरफ से फूलों की खेती हो रही है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, हम जा रहे थे आश्रम, तो रास्ते में ये सब व्यू था तो हमने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था। पहले हम लोग गाड़ी में से ही इसे बना रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो उतर के ही बनाते हैं। तो यहाँ से कुछ फूल लेने के लिए उतरे हैं, तो देखिएगा आप लोग भी। पहुँचने ही वाले हैं आश्रम, और बस थोड़ा फूलों की वजह से ही आप लोगों को दिखाने का मेरा मन हुआ था, क्योंकि बहुत बार मैं आश्रम का आपके साथ व्यू शेयर कर चुकी हूँ। तो दी देखिए, हम पहुँच गए हैं आश्रम में और अभी हम लोग गाड़ी में ही हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यू बनाती हूँ। और अभी हम पूर्णमासी से पहले आ गए थे तो इसलिए भीड़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पूर्णमासी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और त्यौहार का समय है, तो इस वजह से हम लोग पहले ही यहाँ पर आ गए थे। तो ये देखिएगा हमारा आश्रम है यहाँ पे, और बस हम यहीं उतरते हैं और फिर बाकी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर भी करूँगी, जितना भी हो सकेगा उतना शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिएगा पूरा इतना बड़ा आश्रम है हमारा यहाँ पर, बस यहीं उतर जाएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कहाँ बस फ्रेंड, हम चले हैं अब घर की ओर। और ये देखिएगा रास्ते में यहाँ पर कूड़े का ढेर, तो आप समझ सकते हैं आज हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं यानी दिल्ली से। तो ये रोहिणी का की जगह आती है, यहाँ पर कूड़े का ढेर देखिएगा बहुत ही विशाल का ढेर हो चुका है और काफ़ी बड़ा बड़ा मतलब क्षेत्र में हो गया ये, तो काफ़ी अभी आया था। तो और ये देखिएगा यहाँ पर काफ़ी मतलब पहले तो काफ़ी साल पहले मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग जब से हाईवे बने हैं तब से हम लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं यहाँ से रास्ते से, तो अब इस रास्ते से आज आए हैं तो काफ़ी बड़ा एरिया मतलब ये हो चुका है। और इतना बड़ा तो हमसे वीडियो भी नहीं बन रहा था क्योंकि बार बार इतना मतलब रोक रहे थे, गाड़ियाँ आ रही थी, ट्रक आ रहे थे, तो फिर बार बार रोकना पड़ रहा था। तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो है ये सब फैला हुआ है और कूड़े का ढेर ऐसा लग रहा है जैसे कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पहाड़ से लग रहे हैं दूर से। और इतनी गाड़ियां खड़ी हैं इसमें ना कूड़े की, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रेन वगैरह खड़ी हैं, मतलब पता नहीं इतना ज़्यादा यहाँ पर रश भी हो रहा था। तो बस चलिए भाई, आज बहुत दिनों के बाद दिल्ली के दर्शन हुए हैं मतलब ट्रैफिक से,
और दिल्ली में तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा था यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को हाईवे से आने की आदत पड़ी हुई है ना, तो वहाँ का बिल्कुल शांत और चारों तरफ से हरियाली का रास्ता है। होने को तो यहाँ भी ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन जाम हमें बहुत ज़्यादा मिला था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस टाइम तो यहाँ पर ठीक है और सही लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ही ज़्यादा जाम था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। दिल्ली में तो है ही, रेड लाइट वगैरह है बहुत ज़्यादा, और अगर एक बार जाम लगने लगा तो काफ़ी देर लग जाती है। तो ये देखिएगा दिल्ली का भी सुंदर नज़ारा, क्योंकि इस टाइम पे जो पेड़ों में फूल खिले हुए हैं ना, तो बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था। तो हमने थोड़ा बहुत ही मतलब ले पाए थे, ज़्यादा हम लोग नहीं ले रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा लेने में तो पता नहीं कितना समय लग जाता, पूरे रास्ते भर में वीडियो ही बनाते रह जाते। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और इसी तरीके से हमारी जो यात्रा हुई वो हम लोगों ने की, और सुबह निकल गए थे हम जल्दी अपना, और टाइम से अपने घर भी हम लोग पहुँच गए थे, क्योंकि घर में भी सारा काम, क्योंकि संडे का दिन था और आप समझ सकते हैं संडे के दिन बहुत सारे काम इस तरीके के हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के हम घर पहुंचने ही वाले हैं। घर जाकर फिर आज क्या कहते हैं, दिन में खाना वाना भी कुछ इस तरीके से नहीं हुआ है बेटे का, पता नहीं क्या खाया होगा उसने। तो अब मैं घर पहुंच चुकी हूं, और इस टाइम पे मैंने बना ली है, देखिए दाल, मसूर की दाल बनाई है, और फुलके बनाऊंगी, क्योंकि बेटे ने दोपहर मतलब दिन में कुछ खाया नहीं था, बस वो जवे वगैरह खा लिए थे थोड़े से, और तो अब मुझे खाना बनाना था। तो ये देखिएगा आटा भी मैं गूंथ चुकी हूँ, और एक बार बैठ गई ना तो फिर मेरा काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि जब थकान हो जाती है ना, चाहे हम लोग चल के ना गए हों, आराम से बैठ कर गए हों, लेकिन फिर भी थकान हो जाती है। बस मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि पैर ना बिल्कुल एक ही तरीके से रखा हुआ था ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिएगा अब बना लेते हैं रोटी। बेटे से पूछा मैंने, कहा कि गरम गरम खा लेगा तो मैं गरम दे देती हूँ, कहने लगा नहीं मम्मी आप बना लो। तो बस मैंने जितना आटा है ना ये, उतना मैं सारा ही बनाऊँगी इसे, क्योंकि रोटियाँ ना जैसे बासी रखा हुआ आटा होता है ना, तो उसकी रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं, और फिर वो खाने को भी मन नहीं करता है, अच्छा किसी को देने को भी मन नहीं करता है, गाय वगैरह होती है ना तो उनको भी अजीब सी लगती है वो काली काली सी, क्योंकि हमारे यहाँ गौ गौ गौशाला से वो आते रहते हैं, तो रोटियां हम लोग उनको देते हैं तो वो अच्छी सी नहीं लगती हैं। तो बस जितना आटा गूंथती हूँ मैं, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उतने आटे को ही बनाऊँ, तो कम से कम गूंथने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यार फिर भी ज़्यादा कभी कभी हो ही जाता है। तो अभी भी जितनी रोटी हमें चाहिए ना, उससे ज़्यादा ही मतलब वो होता है उसमें। तो बस आटा बचाने से अच्छा ये है कि फिर फ्रिज में रख दो, भूल गए फिर काफ़ी दिनों तक पड़ा भी रहता है। तो बस मैं ये सभी रोटियां सेक दूंगी और यहाँ पर, और देखिएगा अभी तवा अभी मैंने मांजा था ना, तो इस तरीके से स्टार्टिंग में रोटियां एक दो रोटी ऐसे ही बन पाती हैं, और जब तवा अपने उसमें आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद रोटियां बननी स्टार्ट होती हैं। तो आप देख सकते हैं रसोई में बन रहा है खाना, और आज खाने में है दाल और रोटी, और बिल्कुल सादा खाना, बहुत ही सादा खाना अपने आप में ही बहुत अलग होता है, कितना ही आप बाहर का खाना खा लो लेकिन सादा खाना क्या की कोई बात ही नहीं है, और दाल रोटी तो अपना है ही मेन मेन खाना, और संतुष्टि इसी खाने को खाकर होती है। तो देखिएगा किस तरीके से मेरे फुलके सिक रहे हैं।
देखिएगा फुलके सिक रहे हैं और बस अब ये सिक जाएंगे तो उसके बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और पानी अगर आता रहेगा तो रात को ही बर्तन मच जाते हैं, नहीं तो फिर या तो मोटर चला के करना पड़ता है या फिर मैं सुबह ज़रा थोड़ा सा उठती तो हुई तो सुबह के टाइम पे कर देती हूँ सब। तो कैसा लगा आज का वीडियो मेरा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से नए व्लॉग या कोई कहानी के साथ में। और अभी खाना बन चुका है, खाना खाते हैं, उसके बाद जो भी काम हो पाएगा तो वो करेंगे और उसके बाद फिर सुबह की फिर वही सही काम हमारा स्टार्ट हो जाता है और पूरा दिन इसी तरीके से रहता है, स्कूल जाना, ये काम करना, वो काम करना, तो इसी तरीके से रहता ही रहता है। होली की छुट्टियां तो पड़ी रही थी तो मैंने कहा चलो इसी बीच में हम अपने और कामों को भी निपटा लेते हैं, क्योंकि छुट्टियां होती है ना तो तभी हम इन दिनों में अपने कामों को निपटाते हैं। तो खाना बन चुका है, हम लोग भी खाना खाते हैं और आप किस टाइम वीडियो देख रहे हैं पता नहीं, तो आ जाइएगा जिन जिन लोगों को दाल रोटी पसंद है गर्मा गर्म फुलके और दाल रोटी खाने के लिए। और इसी के साथ करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड, तो फिर मिलते हैं कल। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।